भारतीय क्रिकेट टीम ने आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप में अपने सभी लीग मैच जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। आखिरी मुकाबले में टीम इंडिया ने नीदरलैंड्स को जबरदस्त तरीके से हराया। नीदरलैंड्स के खिलाफ जीत हासिल कर विजयी अभियान टीम इंडिया ने जारी रखा। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 4 विकेट पर 410 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था। इसके जवाब में नीदरलैंड्स की टीम 47.5 ओवरों में 250 रनों के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। भारतीय टीम ने अपने विश्व कप के विजयी अभियान को जारी रखा है। लगातार 8 जीत दर्ज करने के बाद नीदरलैंड्स के खिलाफ आखिरी मुकाबला खेलने उत्तरी टीम इंडिया ने 160 रन की बड़ी जीत से लीग स्टेज खत्म किया। श्रेयस अय्यर और राहुल की धमाकेदार शतकीय पारी के दम पर भारत ने 4 विकेट पर 410 का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया था। जवाब में नीदरलैंड्स ने टक्कर देने की कोशिश की, लेकिन 250 रन पर ही पूरी टीम सिमट गई। इस मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान ने 1-2 नहीं बल्कि 9 गेंदबाजों को मौका दिया, जिसमें वो खुद भी शामिल थे। रोहित, शुभमन, विराट और सूर्यकुमार यादव ने नीदरलैंड के खिलाफ गेंदबाजी में अपना हाथ आजमाया। मैच खत्म होने के बाद जब कप्तान रोहित से इसके बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जब आपके पास सिर्फ 5 ही गेंदबाज होते हैं तो आप अपनी टीम के अंदर ही कुछ विकल्प तैयार करने की कोशिश करते हैं। आज हमारे पास 9 विकल्प मौजूद थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आज का वो मुकाबला था जिसमें हमने कुछ चीजों को आजमाया। हमारे तेज गेंदबाज वाइड यॉर्कर आजमा रहे थे जब इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन हम इसको करके देखना चाहते थे। एक गेंदबाजी यूनिट के तौर पर हम कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे थे। हमें देखना था कि हम इससे क्या हासिल करते हैं। नीदरलैंड्स के खिलाफ भारतीय टीम के मुख्य गेंदबाजों के अलावा कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली ने गेंदबाजी की थी। दोनों को ही 1-1 विकेट हासिल हुआ। विराट ने 3 ओवर में 13 रन देकर 1 विकेट चटकाया, जबकि रोहित ने 5 गेंदें डाली और उनको 1 विकेट हासिल हुआ। उन्होंने नीदरलैंड्स का आखिरी विकेट चटकाया, जिसके लिए 7 रन खर्च किए गए थे। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।